Hey guys and welcome back to our channel guys, कैसे हैं आप सभी guys? मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखाने जा रहा हूं दोस्तों TVS की तरफ से XL 100 Comfort। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आज इस वाली मोपेड के बारे में बात करने जा रहे हैं गाइज। इसकी वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए दोबारा ला रहा हूँ, एक तो काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों को इसकी वीडियो नहीं दिखाई थी, एंड सेकंड चीज़ गाइज, इस स्कूटी के ऊपर, बाइक के ऊपर, मोपेड के ऊपर, जो भी आप लोग इसको कहना चाहें, इसके ऊपर गाइज दिवाली ऑफर जो है चल रहा है। सो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग इस मोपेड के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके प्राइजेस आप लोगों को बताऊंगा, साउंड आप लोगों को सुनाऊंगा, माइलेज के बारे में बात करेंगे, प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, इसके सारे फीचर्स आप लोगों को बताऊंगा, एंड लास्ट में मैं इस मोपेड की आप लोगों को फाइनेंस की डिटेल भी शेयर करूंगा। काफी लोग दोस्तों इसको कैश में नहीं ले पाते, तो काफी लोग चाहते हैं कि हम लोन करा लें, इसको फाइनेंस करा लें, तो आप लोगों के लिए दोस्तों वो भी सारी स्कीम मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट आएगी, क्या क्या आप लोगों की EMI जाएंगी, हर महीने आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा इसको लेने के लिए, एंड दोस्तों लास्ट में इसकी दिवाली ऑफर्स आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या इस पर दिवाली ऑफर्स आप लोगों को मिलेंगे अगर आप इसको अभी परचेस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में बहुत ही सब कुछ होने वाला है, फुली लोडेड वीडियो आज ये वाली होने वाली है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को देखने को मिलेगी इस वाली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से, एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि दोस्तों इस वाली वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी प्लीज कर दीजिए। चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो शुरू फटाफट से। दोस्तों सबसे पहले तो आप इसकी लुक देख सकते हैं, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगती है। दोस्तों ये बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जिनका बजट बहुत ही ज्यादा मिनिमम होता है, जो बहुत ही ज्यादा लो बजट से स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपने टू व्हीलर की, एंड या आप लोगों का एक लोडिंग वाला काम है, आप लोगों ने वेट वगैरह उठाना है, जैसे लोड कैरी वगैरह आप लोगों ने करना है, एंड इसी के साथ साथ आप लोगों को एक कंफर्ट भी चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं इससे अपना काम भी कर लूं, मेरा जो रोजगार है मेरा रोजगार भी चल जाए इससे, एंड मैं अपनी फैमिली को भी इस पर कहीं लेके जा सकूं घुमाने वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए होती है। इसमें एक और वेरियंट आता हैवी ड्यूटी वाला, वो दोस्तों आप लोगों का खाली वो सामान वगैरह उठाने के लिए होता है, वो इतना ज्यादा दिखने में अच्छा नहीं लगता है जितना ज्यादा प्रीमियम स्कूटर ये लगता है दिखने में, ठीक है। ये काफी ज्यादा बढ़िया लगता है दिखने में, एंड बात करूं दोस्तों इसके कलर ऑप्शन की, तो इसमें आप लोगों को 6 कलर ऑप्शन इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कलर इसके अंदर आप लोगों को मिलते हैं। सो आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप 6 में से कोई सा भी कलर इसमें से चूज कर सकते हैं। फिलहाल ये जो आप कलर अपने सामने देख रहे हैं, इस कलर का नाम है दोस्तों स्पार्कलिंग सिल्वर, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इसके टायर्स आप लोग देखेंगे तो इसके टायर्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पतले एंड शॉर्ट टायर्स इसके अंदर आप लोगों को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके टायर साइज़ की, तो इसके अंदर आप लोगों को फ्रंट एंड बैक दोनों टायर बिल्कुल सेम टायर आप लोगों को मिलते हैं। 16 इंचेस के टायर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे गाइस, फ्रंट बैक दोनों 16 इंच के टायर आप लोगों को मिलते हैं। एंड दोस्तों ये आप लोगों को ट्यूब टायर देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आप लोगों को ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, एंड इसी के साथ साथ आप लोगों को इसके टायर्स वो काफ़ी ज़्यादा पतले मिलते हैं, एंड दोस्तों वो आप लोगों को सिल्वर स्पोक रिम्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील्स भी नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल ही बेसिक मोपेड होता है दोस्तों, तो इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा खास फीचर आप लोगों को नहीं मिलते हैं इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं इसके मडगार्ड के बारे में, तो फ्रंट में आप लोगों को काफ़ी लॉन्ग मडगार्ड इसका देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। एंड दोस्तों इसके मडगार्ड पर आप लोगों को सामने एक मडगार्ड प्रोटेक्टर भी देखने को मिलता है, अगर ये सामने से हिट होती है कहीं पर भी, कहीं टच होती है, तो आप लोगों के मडगार्ड पर स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मिलता है, बाकी इसका मडगार्ड आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके सस्पेंशन के बारे में, आप लोगों को फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में आप लोगों को हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ेंगे गाइस, बात करेंगे इसके हेड के बारे में। दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को एक हेडलाइट देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों को हैलोजन बल्ब वाली मिलती है, एंड उसी के नीचे ही आप लोगों को एक DRL देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। LED DRL भी इसके अंदर आप लोगों को दिया जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड इसके हेड पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, आप लोगों को रेड कलर के ग्राफिक्स भी इसके ऊपर देखने को मिलेंगे, एंड इसमें छोटा सा आप लोगों को एक वाइजर भी देखने को मिलता है। बात करते हैं दोस्तों उसके इंडिकेटर्स के बारे में, तो उसके इंडिकेटर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ के मिलते हैं, एंड ये आप लोगों को ऑरेंज कैप के साथ देखने को मिलते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसकी टेल लाइट के बारे में, तो ये इसकी टेल लाइट आप लोग देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को स्क्वायर शेप में देखने को मिलती है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ की टेल लाइट आप लोगों को दी जाती है इसके अंदर, जो कि अगेन आप लोगों को बल्ब वाली मिलेगी। सो इसके अंदर आप लोगों को हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर, सभी चीज़ इसके अंदर आप लोगों को बल्ब वाले दिए जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग पीछे आएंगे गाइस, बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को दिया जाता है, जो कि दोस्तों आप लोगों को सिर्फ 80 की टॉप स्पीड आप लोगों को दिखाएगा, एंड उसी के तरीके से आप लोगों को एनालॉग ऑडोमीटर भी दिया जाता है। साथ में आप लोगों को दोस्तों चाबी लगाने की इसमें जगह दी जाती है, आप लोग देख सकते हैं जहाँ आप लोगों की चाबी लगेगी, एंड ये इसका आप लोगों को हैंडल देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हैंडल इसके अंदर आप लोगों को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डीप है दोस्तों, नीचे तक जा रहा है ये।
एंड बात करें इसके स्विचेस की, तो आप लोग इसके स्विचेस देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को सारी नेसेसरी फीचर्स इसके अंदर आप लोगों को दिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को पास स्विच मिलता है, एक हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच आप लोगों को मिलता है, इसके इंडिकेटर्स का स्विच मिलेगा, आप लोगों को हॉर्न मिलेगा, एंड दूसरी साइड आप लोगों को इसमें सेल्फ स्टार्ट भी देखने को मिलेगा, एंड दोस्तों ये आप लोगों को साइलेंट सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलता है। तो इसमें भी दोस्तों दो विंड आप लोगों को मिलते हैं, एक सेल्फ स्टार्ट एंड किक वाला, एंड ये खाली किक वाला आता है जिसके अंदर आप लोगों को सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं गाइस इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो ये आप लोग इसका फ्यूल टैंक देख सकते हैं, आप लोगों को ये जो गाइस इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। इसमें आप लोग इसका टैंक देख सकते हैं गाइस, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, आप लोगों को इस पर TVS की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। बात करें गाइस इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 4 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है दोस्तों, जो कि इसके हिसाब से काफ़ी अच्छी आप लोगों को दी जा रही है। एंड इस पर एक लेग गार्ड आप लोग देख पा रहे हैं, जिसको आप लोग क्रैश गार्ड कह सकते हैं, लेग गार्ड आप लोग कह सकते हैं दोस्तों, वो आप लोगों को इसके साथ कंप्लीटली फ्री दिया जाएगा। जब आप इसको लेंगे तो आपको साथ में ही दिया जाएगा इसके, आप लोगों से कंपनी वाले इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें गाइस इसके फुटरेस्ट के बारे में, तो ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसके फुटरेस्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे अपना पैर वगैरह भी रख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे अपना सामान वगैरह भी इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं दोस्तों। इसकी जो कम्प्लीटली बॉडी आप लोगों को दी जा रही है, वो कम्प्लीटली मेटल बॉडी इसके अंदर आप लोगों को मिलती है, जिस वजह से आप लोग इस पर काफ़ी सारा लोड भी कैरी कर सकते हैं, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी इसके नीचे की प्लेट की बात करें, तो आप लोगों को XL100 कम्फर्ट यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा, एंड इसमें आई टच स्टार्ट आप लोगों को मिलता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया सेल्फ स्टार्ट एंड आप लोगों को साइलेंट स्टार्ट ये मिलता है। बात करते हैं गाइस इसके इंजन के बारे में, गाइस इस प्लेट के नीचे ये आप लोगों को फुटरेस्ट के नीचे इसके आप लोगों को इंजन मिलता है, आप लोग देख सकते हैं गाइस ड्यूल टोन कलर में आप लोगों को इसका इंजन देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 99.7 cc का इंजन मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 4.3 BHP की पावर विद 6.5 Nm ऑफ टॉर्क, एंड दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को किक भी दी जाती है, एंड आप लोगों को सेल्फ भी मिल जाता है। बाकी चेन आप लोग देखेंगे इसकी, कम्प्लीटली आप लोगों को चेन इसकी कवर दी जा रही है, ठीक है, चेन ओपन आप लोगों को नहीं मिलती है। अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, तो दोस्तों बात करेंगे इसकी सीट के बारे में, ये आप लोगों को इसकी सीट देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटी आप लोगों को सीट मिलती है, जिस वजह से इसके अंदर जो कुशनिंग एंड कम्फर्ट है वो आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो कम्फर्ट है वो जैसे कि इसका नाम है कम्फर्ट, सो इसके अंदर आप लोगों को कम्फर्ट भी आप लोगों को जेन्युइनली मिलता है इसके अंदर। आप लोग पीछे इसका बैकरेस्ट देखेंगे, काफी प्रीमियम सा इसका बैकरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, एंड जो इसकी सीट है दोस्तों वो आप लोगों को ड्यूअल टोन कलर में देखने को मिलती है, ब्राउन एंड बेज कलर में आप लोगों को इसकी सीट देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को एक साड़ी गार्ड देखने को मिलेगा, इसके जो फुटरेस्ट है वो दोनों ही तरफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं, एंड आप लोगों को इसका साइलेंसर है दोस्तों, वो भी आप लोगों को इसके अंदर ब्लैक कलर का दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप लोगों को क्रोम या सिल्वर प्लेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों इसके कर्व वेट के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 85 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है। बात करूँ उसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 158 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। एंड बात करूँ सीट हाइट के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 781 mm की सीट हाइट इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो हुई है सारी स्पेसिफिकेशन इसकी, अब बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में। दोस्तों इसकी कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो करती है 75 के आसपास, लेकिन आप लोगों को यूज़र रिव्यू की बात करूँ दोस्तों, जो इसका माइलेज यूज़र क्लेम करते हैं कि हमारे को ये 50 से 60 के बीच में जो माइलेज है वो दे देती है इजीली, अगर आप इसको सोलो राइड कर दें, लेकिन अगर आप इस पर वेट वगैरह कैरी करके इसको चलाएंगे तो ये आप लोगों को 45 से 50 की जो माइलेज है वो देगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी टॉप स्पीड के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 58 km/h के आप लोगों को इसकी टॉप स्पीड देखने को मिलती है। अब बात करते हैं गाइस इसकी प्राइसिंग के बारे में, दोस्तों इसके अक्टूबर 2022 में जो प्राइसेस हैं अभी जो लेटेस्ट प्राइसेस हैं वो आप लोगों को थोड़े से इसके बढ़े हुए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों इसके प्राइसेस थोड़े से बढ़ चुके हैं। एंड अब बात करें दोस्तों इसके एक्सशोरूम प्राइसेस की, तो इसका एक्सशोरूम प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा 55,810 रुपये, एंड अगर मैं बात करूँ इसके ऑन रोड प्राइसेस की, तो ये ऑन रोड आप लोगों को दोस्तों 66,670 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा, 66,670 रुपीज़ इसका ऑन रोड प्राइस है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली में। तो दोस्तों अब तक हमने सारी स्पेसिफिकेशन की बात कर ली है, साउंड की बात कर ली है, माइलेज की बात कर ली है, प्राइसिंग की हमने बात कर ली है, दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी दिवाली ऑफर बता देता हूँ, देन हम लोग बात करेंगे इसकी लास्ट में फाइनेंस डिटेल के ऊपर। दोस्तों TVS ने अभी अपनी एक स्कीम लॉन्च कर रखी है जिसका नाम है 5+5। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर आप लोगों को 5 ईयर की वारंटी देखने को मिलेगी, अपने मोपेड के ऊपर आप लोगों को 5 ईयर की वारंटी मिलेगी, एंड 5 ईयर्स तक आप लोगों को सर्विसेज जो होती है वो आप लोगों को कम्प्लीटली फ्री मिलेगी कंपनी की तरफ से ही। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग अपना मोपेड बाइक स्कूटी कुछ भी कंपनी की तरफ से लेते हैं, TVS की तरफ से, किसी और ब्रांड की तरफ से भी,
तो आप लोगों को उसमें सिर्फ 3 या 4 ही जो फ्री सर्विसेज होती है वो आप लोगों को फ्री दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को 5 ईयर्स तक जो फ्री सर्विसेज होंगी वो आप लोगों को कंप्लीटली फ्री मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को 5 साल तक जो सर्विस है वो फ्री दी जाएंगी कंपनी की तरफ से। 5 साल तक आप लोगों को वारंटी मिलेगी, ये आप लोगों को ऑफर मिलेगा इसके ऊपर। एंड दोस्तों इसके ऊपर आप लोगों को 1000 से 2000 रुपये तक आप लोगों को कैशबैक भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को इस पर 1000 से 2000 रुपये आप लोगों को ऑफ भी मिल जाएगा बाइक के ऊपर या मोपेड के ऊपर अपनी, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फाइनेंस डिटेल के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप इसको लोन कराना चाहते हैं या फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे। फ्रेंड्स, आपके बिल्कुल सिंपल से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जिसमें एक आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपके 3 कैंसिल चेक या एक आपका डेबिट कार्ड। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपका लोन दोस्तों इजीली हो जाता है, कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है। अब बात करते हैं उनके लिए जो रेंट पे रहते हैं। दोस्तों रेंटेड पर्सन के लिए भी लोन है वो इजीली हो जाता है। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है, दिल्ली का कोई एड्रेस प्रूफ है, तो आपका लोन भी इजीली हो जाएगा, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं डाउन पेमेंट की। फ्रेंड्स, आप इसको मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करके या 7 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करके, मिनिमम से मिनिमम इतना आप डाउन पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। बाकी जितनी ज़्यादा डाउन पेमेंट आप लोग करेंगे उतनी कम आपकी EMIs हो जाएंगी दोस्तों। लेकिन ये जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ ये मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों। एंड इसमें एक कंडीशन है, आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 या 800 रहना चाहिए आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर इससे कम है तो आपका लोन है वो 90-95% तक अप्रूव नहीं हो पाएगा। आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये 95% तक अप्रूव करने के बाद आप लोगों को लोन मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को समझाने के लिए जो मैं मिनिमम डाउन पेमेंट लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा 6000 रुपये। 6000 रुपये मात्र डाउन पेमेंट करने के बाद आपकी 12 महीने की EMI जाएगी 7526 रुपये, 24 महीने की आएगी 4151 रुपये, 36 महीने की आएगी 2992 रुपये। सो फ्रेंड्स, ये हैं सारी EMIs आप लोगों को पे करनी पड़ेगी 6000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था, हमने इससे रिलेटेड कंप्लीटली डिटेल में बात कर ली है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ इससे रिलेटेड, सारी स्पेसिफिकेशन की बात कर ली है, माइलेज की बात कर ली है, प्राइस की बात कर ली है, एंड मैंने वो बात भी कर ली है दोस्तों जो हर कोई अपनी वीडियोज में नहीं करता, फाइनेंस की डिटेल आप लोगों को देना। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी फाइनेंस की डिटेल भी आप लोगों को घर बैठे बैठे ही दे दी है। एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें से आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को हर बात का जो है जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।